हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं आई हूँ अपने मायके, और कल रात को ही आई, रात को मतलब 7 बजे के लगभग। थोड़ा अंधेरा हो गया था तभी आई, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह नहीं बनाई, तो आप लोग को पता नहीं होगा। बट कर्मा का मतलब आई हूँ, कल है कर्मा, नहीं कल नहीं मतलब आज ही है कर्मा, तो अभी आई हूँ। और ये देखिए मेरे भाई को, तो अब मैं आई हूँ और आज है कर्मा, बट मैं कर नहीं रही हूँ, तो बस ऐसे ही आई हूँ यहाँ पे देखने के लिए। तो आज अभी जा रही हूँ ब्रश वगैरह करके, थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मम्मी बनाएगी आज पकवान वगैरह, क्योंकि आज बनाने का दिन है, मतलब आज पकवान वगैरह बनता है घर में, तो इसलिए मम्मी बनाएगी। तो फिलहाल नाश्ता के लिए सेवे बन रहा है, तो अभी सेवे खा लेते, उसके बाद फिर थोड़ा आराम से बनेगा, फिर कुछ कुछ बनेगा पकवान, उसके बाद जो जो होगा। मैं वैसे कर तो नहीं रही हूँ कर्मा, बट मेहंदी लगाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस, ये लड़का को बहुत ख़राब लड़का है। सो गाइस, तो अभी मैं आई हूँ किचन और मैंने खा भी लिया है, और हमारा सारा जो बनना था पकवान वो सब बन भी गया है। ज़्यादा वैसे ज़्यादा कुछ बना नहीं है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बना है। ये देखिए आलू का रोटी, और ये कचौड़ी बना है। मैं तो खा ली, मेरा पूरा पेट भर गया, खावा भी ली। और ये देखिए मेरे हाथ में मेहंदी वगैरह भी सारा कुछ लग चुका है मेरा, और लगा के छुड़ा उड़ा ली। उसके बाद अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हाथ में मेहंदी लगा हुआ था तो फ़ोन तो यूज़ कर नहीं रही थी। ये हाथ में भी राइट, इधर बस पीछे साइड, आगे नहीं। तो अपने फ्रेंड, मेरी फ्रेंड है यहाँ बगल में, तो वही लगा दी है मेरा। तो अभी हम लोग खाए हुआ भी लिए हैं, तो अभी टाइम हो रहा है 4:41, तो आज तो कर्मा है, तो कर्मा का ब्लॉग आएगा। तो कर्मा का जो जो भी होगा, जैसा हम लोग का यहाँ पूजा होता है, तो उसका ब्लॉग मैं बना के डालूँगी, तो आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अभी कुछ देर में हम लोग नहा वहा के रेडी होंगे, मैं तो की नहीं हूँ, बट फिर भी देखने के लिए जाएंगे तो रेडियो वेडियो होंगे, तो फिर पूरा ब्लॉग आप लोग देखिएगा, मेरे ब्लॉग पर बने रहिएगा। मिलते हैं फिर। सो गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी हम लोग जा रहे हैं कर्मा के पास, मतलब जहाँ पर होगा कर्म पूजा वहाँ। और मेरी सिस्टर लोग की है, चाची की बेटी लोग, तो उन लोग तो रेडी होके चली भी गई, तो चलिए चलते हैं। देखिए गाइस, पूरा किचड़ किचड़ हो गया। सो गाइस, तो यहाँ पे हो गया था पूजा, और हम लोग जा रहे थे घर, और इतना कीचड़ था कि पूरा, तो वहाँ का मतलब पूजा सब कोई खड़े खड़े किया था, कोई बैठ के नहीं कर रहा था, पर बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो गया था बारिश की वजह से। और फिर हम लोग 2 बजे रात को फिर से गए थे, 2-3 बजे रात को, मतलब भूत भोराए वगैरह कुछ कुछ कर्मा का जो होता है, वो सब होता है, फूल लाने के लिए जो भूत भर के जाता है, तो वही सब होता है, इसलिए हम लोग गए थे देखने के लिए, एक एक नींद लेके।
और जब वहाँ पे गए तो देखे कि मतलब बारिश से और भी ज़्यादा वहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो गया था। ऊपर में तिरपाल दिया हुआ था, फिर भी पानी मतलब बह के आ जा रहा था और चू रहा था। और मतलब वहाँ पे कुछ मतलब मिट्टी ऊपर से भर दिए थे इन लोग, बट बारिश आ गया उसकी वजह से और मतलब कच कच एकदम हो गया। मतलब वो मिट्टी डाले थे इस वजह से, तो पूरा बहुत अजीब हो गया था। फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक दो लड़की और लड़का लोग डांस कर रहा था। वैसे ही मतलब पूरा कीचड़ में इन लोग का पैर पूरा कैसा हो गया था, फिर भी इन लोग डांस कर रहा था। इन लोग रात भर किया था, मतलब कोई कोई बोल रहा था इन लोग रात भर मतलब करम पूजा जब से ख़त्म हुआ था तब से इन लोग कर रहा था और इन लोग अभी भी कर ही रहा था। हम लोग आए तो फिर कुछ देर बाद इन लोग घर चले गए, क्योंकि वहाँ करम के पास किसी न किसी को रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग आए तो इन लोग चले गए कि अब आप लोग देखिए ऐसे। और अभी बारिश वगैरह तो नहीं हो रहा था, अभी तो मौसम ठीक ठाक ही था और इन लोग पूरा डांस कर रही थी, तो हम लोग देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे थोड़ा। उसके बाद इन लोग चली गई और फिर बारिश जो स्टार्ट हुआ हम लोग का हालत ख़राब कर दिया। पानी भी देख सकते तिरपाल से चू रहा था हर जगह, और हम लोग इधर साइड में थोड़ा बहुत जगह था बचने का, वहाँ पे बच रहे थे। फिर भी पानी मतलब बचने का वैसा कुछ जगह नहीं था यहाँ पे, और इतना बारिश होने लगा कि हम लोग यहाँ से मतलब बाहर भी नहीं जा सकते, और हम लोग के पास छाता वगैरह भी नहीं था, इसीलिए हम लोग इधर ही साइड में बच के थे और सोच रहे थे पानी छूटेगा तो आएंगे। और फाइनली पानी छूटा नहीं, तो फिर हम लोग भीगते भीगते बिना देखे दौड़ते दौड़ते आ गए थे। थोड़ा बहुत भीग गए थे क्योंकि वहाँ पे फंसे हुए थे, और हम लोग सोचे पानी नहीं छूटेगा इसीलिए देखने का भी मन नहीं करने लगा, इतना बारिश में मूड ऑफ हो गया। तो हम लोग बोले कि अब नहीं चलो बिना देखे घर चलो, सुबह आएंगे अब, इसलिए हम लोग नहीं देखे और घर आ गए। फिर हम लोग के घर आने के बाद ही हुआ था सारा कुछ।